गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो किसी प्लांट केयर के बारे में नहीं है। आज ये मेरे सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, क्रसुला का पौधा है ये। आज मैं इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको, कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताऊँगा कि जिससे आपके लाइफ में बहुत सारी गुड लक और बहुत सारा पैसा आने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए फ्रेंड्स इसी के बारे में, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर प्लांट अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ कि जो क्रसुला का पौधा है वो कैसा होता है और किस फैमिली को बिलोंग करता है। क्रसुला का जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जो सकलेंट्स प्लांट होते हैं, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बिलोंग करता है। और ये क्रसुला इसलिए मशहूर होता है क्योंकि बहुत सारा गुड लक और बहुत सारा पैसा लाने के लिए माना जाता है ये प्लांट। फेंगशुई के हिसाब से जो चाइना के लोग हैं वो इस प्लांट को बहुत लकी मानते हैं, और लगभग हर घर में चाइना में आपको जो क्रासुला का प्लांट है वो मिल जाएगा। जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं वो भी ये प्लांट को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो लुक है वो बहुत प्रीमियम होती है, बहुत अच्छा दिखता है ये पौधा। इसकी लीव्स भी की जो टेक्सचर होता है और इसकी लीव्स का जो शेप होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो काफ़ी घरों में आपको क्रासुला का जो प्लांट है वो मिल जाएगा। अब लेकिन जो पैसे वाले लोग होते हैं वो क्रसुला का प्लांट क्यों लगाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि क्रसुला का पौधा लगाने से घर में बहुत सारा पैसा आ सकता है। तो उन्हीं टिप्स को मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि क्रसुला की जो लोकेशन होती है उसको कहाँ रखना है आपने। जो आपका एंट्री डोर होता है, जहाँ से आपने घर में एंट्री करनी है, उससे जब आप एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करने के राइट हैंड साइड पे आपने जो क्रसुला का पौधा है वो अपना लगाना है। एंट्री करते हुए राइट हैंड साइड पे नहीं लगाना, एग्जिट करते हुए राइट हैंड साइड पे लगाना है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, क्रसुला के आसपास कोई भी गंदगी या गंदी चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए। उससे जो एनर्जीज आती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, उससे ये पौधा जो है सूख सकता है। इसलिए आप अपने पौधे के आसपास, क्रसुला के आसपास कुछ भी गंदी चीज़ या गंदगी ना रहने दें। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स क्रसुला के बारे में, आपको हमेशा साफ़ पानी ही क्रसुला में देना है। आपको गंदा पानी, जैसे कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा पॉल्यूटेड पानी या थोड़ा पोंछे वाला पानी भी अपने पौधों को दे देते हैं, वो कभी नहीं करना आपने क्रसुला में। अगर आप ऐसा करेंगे तो उल्टा होगा, धन की हानि होगी, धन आएगा नहीं आपके पास। तो हमेशा आपने साफ़ पानी देना है। और क्रसुला क्या, आपने जितने भी पौधे हैं उसमें हमेशा साफ़ पानी देना चाहिए। गंदा पानी अपने पौधों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो गंदे पानी के केमिकल्स होते हैं वो रूट्स में मिलके, मिट्टी में मिलके आपके जो पौधे की हेल्थ है उसको फ़र्क पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। अगली चीज़ मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, अगर क्रसुला का पौधा आपने लगाया हुआ है और किसी कारणवश आपका क्रसुला का पौधा बार बार सूख रहा है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपके वास्तु के हिसाब से आपकी लाइफ पे पड़ सकता है। तो आप क्रसुला का पौधा ना लगाएं। अगर आपने क्रसुला का पौधा लगाना है तो उसका एनवायरमेंट, उसकी केयर और उसकी देखभाल अच्छे से करिए, तभी इसका फ़ायदा आपकी लाइफ में आएगा। मैंने क्रसुला के पौधे के बारे में प्लांट केयर टिप्स वाली वीडियो भी बनाई है, वो भी जल्द मैंने आपसे शेयर करी है। आप प्लीज़ वो भी देखिए, ताकि आप समझ जाएं कि क्रसुला का जो पौधा है उसका अच्छे तरीके से ध्यान कैसे रखा जाता है। दूसरी चीज़ फ्रेंड, क्रसुला की कुछ वेराइटीज़ होती हैं जिसमें सफ़ेद रंग का फूल आता है। वो फूल आने का मतलब ये है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो वो फूल आना इसलिए होता है कि आपने क्रसुला का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है, और वो इतना ग्रो कर गया है, इतना मैच्योर हो गया है कि उसमें अब फूल भी आना शुरू हो गए हैं। तो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है फ्रेंड्स, और अगर आपका पौधा अच्छा है, हेल्दी कंडीशन में है, तो वो फूल ज़रूर देता है। एक और बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कई लोग ये मानते हैं कि क्रसुला का पौधा वो जिस दिन लेके आए उसके अगले दिन से ही उनका जो लक है वो बदलना शुरू हो जाएगा, या बहुत अच्छी चीज़ें उनके लक में होने लग जाएंगी। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कुछ भी चीज़ आपकी किस्मत पर अगर असर डालती है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। क्रसुला का पौधा अगर आप अपने घर में लाएंगे तो कुछ महीने तक लग सकते हैं उसका फ़र्क आपकी वास्तु पर पड़ने के लिए। आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट पे जाके पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट से जाके पूछ सकते हैं कि क्रसुला का जो पौधा है वो प्लांट, उसका आपके लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है। अगर आप वास्तु में मानते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो फिर भी आप एक प्लांट के तौर पे इसको रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इस पौधे को रखने का। वैसे भी आपको क्रसुला ही नहीं, हर पौधे का ध्यान अच्छे तरीके से रखना चाहिए। वैसे तो ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें सिर्फ आपको पानी का ध्यान रखना होता है, फर्टिलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं मांगता, और इसको ऐसी लोकेशन पर रखना है आपने जहाँ पे सन 2 से 3 घंटे आता हो। इसको पार्शियल शेड में रखेंगे तो भी ये चल जाएगा, लेकिन फुल सन में भी अच्छी तरीके से ये ग्रो करता है। तो
तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, जो क्रसुला का पौधा अगर आप लगाते हैं तो आपकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो क्रसुला का पौधा ज़रूर लाइए। मैं ये बहुत सस्ता लेके आया हूँ, क्रसुला की कुछ वेराइटीज़ बहुत महंगी आती हैं, 300 से 500 रुपये तक की रेंज में आ जाती हैं। तो ये पौधा आप अपने गार्डन में लगाइए या अपने बालकनी में लगाइए, बहुत सुंदर दिखता है। और अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, गुड बाय।